वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जिस तरह अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है, आए रोज़ मुख्तलिफ जो है वो वारदातें सामने हो रही हैं, लोग अपनी जानों से जा रहे हैं, दूसरी जानब बड़े अहम दिन जैसे कि ईद और बाकी जो है उस हवाले से भी एक अहम जो है इजलास हुआ जिसको लीड किया डीजी रेंजर्स ने और दीगर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। उस इजलास के अंदर क्या बात हुई, किस हवाले से अब जो है सिक्योरिटी के हिकमत अमली बनाई गई है आइंदा, तो उसके ऊपर बात करते हैं। हमें चीफ रिपोर्टर हैं असद जैदी साहब, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। असद साहब, अहवाल बताइएगा जरा। जी देखिए, आज डायरेक्टर जनरल रेंजर सेन मेजर जनरल अजहर वकास की जेरे सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तर्जमान रेंजर सेन के मुताबिक डीजी रेंजर सेन मेजर जनरल अजहर वकास की जो जेरे सदारत इजलास था, इसमें कराची शहर के अमनो अमान की मजमूई सूरत हाल पर बात की गई। साथ ही साथ तर्जमान का कहना था कि इजलास के दौरान यौम अली, ईस्टर, रमजान का आखिरी अशरा, चांद और ईद उल फित्र की मुनासबत से खसूसी सिक्योरिटी लाए अमल का तफसीली जायजा भी लिया गया। तर्जमान का ये भी कहना था कि इजलास में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम, जराइम पेशा अफराद की सरगोबी के लिए भी मुश्तरक लाए अमल तश्कील दिया गया। मजीद बताया गया कि इजलास के दौरान जबरी फितरा, जकात और शिद्दत पसंदी फैलाने वाले अनासिर पर कड़ी नजर रखने के हवाले से हिकमत अमली का भी असर नौ जायजा लिया गया। आईजी सिंध की तब्दीली और उसके बाद फौरी तौर पर रमजान के अंदर जो सूरत हाल मजमुई तौर पर होती है अमन अमान की, और साथ ही साथ स्ट्रीट क्राइम की, इसके हवाले से बिल्कुल बहुत जरूरी था कि एक ऐसी इजलास का इनेकाद किया जाए जिसमें तमाम सिक्योरिटी इदारे बैठ कर एक मुश्तरक लाएमल बनाए, और उसी तनाजर में आज जो है वो ये इजलास रखा गया। और उसके साथ साथ देखिए, कराची शहर में पिछले कुछ अरसे में जिस अंदाज से लोग अपनी जानों से जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू नहीं आ रहा, तो उसी के लिए सबसे पहले तो हायर अप्स को बैठना था और फिर कोई लाएमल तश्कील देना था। और अब लगता है कि कराची शहर के शहरियों के लिए एक सुकून का सांस होगा कि मुश्तरक लाएमल, स्नैप चेकिंग, सिक्योरिटी और जो जराइम पेशा नासिर हैं उनके हवाले से एक तफसीली आज इजलास हुआ। अच्छा असद साहब, देखिए इजलास माजी में भी होते रहे हैं, मगर बात यह है कि एक जामे पॉलिसी और फिर उसके अंदर जिद्दत और टेक्नोलॉजी की हम बार बार इसलिए बात करते हैं कि कैसा निज़ाम अब तश्कील देने की इसलिए ज़रूरत है कि अब कराची पुलिस चीफ ने भी आज भी मीडिया से बात की, उन्होंने कहा जी नफरी कम है। अब ये नफरी आज तक इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर नफरी का मसला ख़त्म नहीं होकर दे रहा, मतलब बहुत सारे सवाल हैं। जॉइंट वेंचर जब भी होता है फ्रंट के अंदर, हम देखते हैं फ्रंट लाइन के ऊपर पुलिस खड़ी होती है, अब अगर थानों के अंदर नफरी नहीं होगी, कौन अंदर बैठेगा कौन बाहर, तो असलदारी से फिर किस तरह चीज़ें चलेंगी, फिर तो ये बैठकें होती रहेंगी, काम नहीं होंगी, फिर चीज़ें नतज नहीं मिलेंगे काम आदमी को, क्या समझते हैं? जी देखिए, सबसे अहम तो ये था कि गुलाम नबी मेमन जब आए, दोबारा ज्वाइनिंग दी, तो उनके लिए वो पुराने चैलेंजिंग जो टास्क थे वो वहीं पर थे। जिस तरीके से उन्होंने बात की थी ई टैगिंग की, जिस तरीके से छोटे हथियार मंगाने की बात की थी पुलिस के नौजवानों के लिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि बी कंपनी से भी लोग निकल सकते हैं, लेकिन बी कंपनी अब भी चल रही है, फिर उन्होंने कहा था कि सर नौ जायजा लूंगा और फिर जो है इम्तिहान पास करना होंगे SHO लगने के लिए, ये तमाम चीजें उन्होंने दोबारा से आकर इसका जायजा भी लेना है, इस पर इजलास भी करने हैं, इसको अपने नई जो तरतीब है सिक्योरिटी की वो भी प्लान देनी है। तो इसके साथ साथ रमजान का अशरा भी है, बिल्कुल अब जरूरत है कि रेंजर्स की खिदमात उसी अंदाज से जिस तरह पहले रेंजर्स ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करती हमें दिखाई थी पुलिस के साथ सड़कों पर, बिल्कुल आज भी नजर आते हैं, सिक्योरिटी चेक पोस्ट से बनाकर खड़े हुए हैं, चेकिंग करते हैं, तमाम चीजों की तफसीलात लेते हैं, लेकिन उस अंदाज से मुअसर दिखाई नहीं देती जिस अंदाज से पिछले कुछ अदवाहर में दिखाई दी। तो अब भी जरूरत है कि जो पिछला एक अशरा गुजरा और उसमें रेंजर्स की कुर्बानियां भी हैं, तो पुलिस के जो आला हुकाम है उनको चाहिए, जिस तरह डीजी रेंजर अजहर वकास साहब ने जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर अमल करते हुए रेंजर्स को साथ मिलाना चाहिए और ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, हमें तफसीलात से आगाह करे थे, इजलास की तफसीलात से आगाह करे थे। नाजरीन, ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए, दीगर कानून नाफिज़ करने वाले इदारों को बैठना चाहिए, जराए पेशा नासिर किस तरह काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बुनियादों पे तमाम इंफॉर्मेशन की जो शेयरिंग है वो तकरीबन हो भी रही होती है और बहुत तेजी के साथ होनी चाहिए भी,
ताकि कम से कम संजीदगी से देख लें आप पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जी ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हम इसको किस तरह चला रहे हैं, इस शहर को बिलखुसूस। इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया की निगाह इस शहर के ऊपर है और वो क्या पैगाम लेते होंगे, या दुनिया भर से ताजर तिजारत करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ के ताजर उनको क्या डिस्कशन करते होंगे कि जी संभल के जाना इधर जरा, ये मतलब यही बातें होती हैं जो नेगेटिविटी जो है वो पैदा करती है। इसके ऊपर बड़ा जो है वो काम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये शहर है। इसके लिए मैं नहीं कहता, यही ऐवान में जाने वाले यही ताजर बरादरी सब कहते हैं कि जी ये शहर चलता है तो पाकिस्तान चलता है, और अगर हमें पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में माशी तौर पर चलाना है तो इस शहर के लिए बेहतरीन हिकमत अमली बनाने की भी अशद ज़रूरत है। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।